नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक DDR1 का मदरबोर्ड आया है। इसमें ये पतंजलि मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं क्या है। देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए ये चल रहा है। पहले तो इसे हटाना होगा। किधर गए? तो पहले तो ये भाई साहब को हटाना होगा, है कि नहीं? ये भाई साहब बहुत दिनों से बैठा है और इसका डिस्प्ले खा के बैठा है। चलो चलो चलो, निकलो निकलो, काम करने दो मेरे को। चलो चलो चलो, किधर गए? निकल गए ना? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, गर्म होने के लिए मैं ब्लोअर को चालू कर दिया थोड़ा सा, और अब इस बोर्ड को चालू करके देखेंगे कि इसमें कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए, ये छोटा सा कनेक्टर है तो इसके लिए इसे खोलना पड़ता है, ठीक है। और ये लगा दिया, और VRM सेक्शन का पावर सप्लाई भी लगा दिया। और अब इसे चालू करने के लिए यहाँ पे फ्रंट पैनल है तो इसमें ये देखिए बंद और चालू नहीं हो रहा है। तो पहला जो हम लोग करते हैं ऑटोमेटिकली, नॉर्मली जो करते हैं मेन हम लोगों को करना चाहिए वो कि ये 12 वोल्ट का कनेक्शन हटा देना होगा और एक बार चालू करके देखना होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो फिर से वही करेंगे कि SMPS का सप्लाई निकाल के इसमें एक बार टच करेंगे और फिर इसे चालू करेंगे। तो देखिए, ये चालू किया और ये 0000 सब कुछ जल रहा है और रिसेट इसका हाई है। और ये VRM का पावर भी एक बार लगा के देखेंगे। तो देखिए बंद। तो गाइज, ये तो मालूम पड़ गया है कि इसका जो प्रॉब्लम है वो इसका VRM सेक्शन से ही हो रहा है। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताया था कि 00 कोडिंग में डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि 00 जो आता है वो आता है BIOS से भी आता है, या फिर कोई जगह पे अगर आपका शॉर्ट सर्किट है तब भी आपका 00 आएगा, ठीक है। नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज दोनों ब्रिज में से कोई ब्रिज अगर प्रॉब्लमेटिक है तब भी आपका 00 आएगा, ठीक है। तो चलिए VRM सेक्शन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फैन को निकाल देंगे ताकि हम लोगों को बहुत आसान होगा काम करने में। तो निकाल के मैं दिखाता हूँ। और एक बात मैं आपको बोलता हूँ कि देखिये, ये बोर्ड मैं 2016 को रिपेयर किए थे। देखिये 20/7/2016, और ये मेरा सिग्नेचर ओके। तो देखिए, इतना दिन चला है, खराब तो होना था यार। इतना अच्छे से रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं, वरना पैसा तो मिलेगा नहीं ना। अरे भाई, कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो, ओ अच्छा अच्छा, वीडियो को चला एक पॉज करी। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, তারকেশ্বর, তারকেশ্বরের একদম কাছে, এসে ফোন করলি হয়। হুম হুম, সুমন लगाने की जरूरत नहीं है। अरे फोन करता है वीडियो बनाते वक्त, अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई लोग आपने सब देख लिया, सुन लिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। ओ भाई, ये तो शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है, बराबर आ रहे हैं। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 टोटल यहाँ पे 12 MOSFET है VRM में, ठीक है। देखिए, लेकिन लाइट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, क्यों? देखिए, तो इसे चेक करता हूँ मैं। अब दिख रहा है मल्टीमीटर,
तो ये जो वीप आ रहा है ये सोर्स से ड्रेन तक, ठीक है, हम लोगों को देखना होगा कि सोर्स से गेट तक वीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सिंपल तरीका है, अगर इसमें चेक नहीं कर पाए तो निकाल के चेक करना होगा, क्योंकि हर बोर्ड में ऐसे नहीं होते। तो भाई क्रिमिनल को मैं ढूंढ लिया, अब लगाऊंगा दफा 320, 440। ये देखो ये इसका गेट है और ये इसका सोर्स, और ड्रेन पे तो मैं लगा के रखा हूं लेकिन दोनों में से बीप आ रहा है। लेकिन इसके बाजू वाले ये तो क्रिमिनल नहीं है। अरे यार ये भी क्रिमिनल है, चलो दोनों को निकाल के जेल में भरते हैं साला। सॉरी 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 दोनों क्रिमिनल को मैं ढूंढ लिया गाइज, और ये क्रिमिनल को हटाएंगे यहां से, और हटा के इसे बाहर फेंकेंगे तुरंत, और इसको लगाएंगे दफा 320, फांसी की सजा सुनाई देंगे हम लोग इसको। तो चलो ब्लोअर को फुल हीट दे देते हैं, पकड़ना होगा, गोली मारना होगा इसके छाती पे। किधर गए भाई मेरा पे, ये क्या है, वो क्या है, तू इधर किधर गए? हाँ अरे यार किधर गए, तो भाई लोग ये निकालेंगे यहां से पतंजलि डिविजन से। अगर नहीं होता तो भाई इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, क्योंकि देखिए ये क्रिमिनल तो है, यहाँ पे क्या क्या करके रखा है ये दोनों मिलके मेरे को नहीं मालूम है कि नहीं, लेकिन बोर्ड भी खराब हो सकता है, सीपी भी खराब हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं कंफर्म हो रहा हूं, देखना होगा। तो भाई दोनों को निकाल दिया, तो झुंड में से ये 12 झुंड था, 12 लोगों का झुंड था, उनमें से दोनों को निकाल दिया, ठीक है। और ये वीआरएम सेक्शन कहते हैं भाई, एक बंदे को मैं बोल रहा हूँ, कल एक मेरे को फोन आए थे कि उन्होंने एक मोस्फेट निकाले थे, कहाँ से निकाले उसको पता नहीं, तो उसको एक उसके लिए एक बनाऊंगा वीडियो। तो भाई ये जो मोस्फेट निकाला यहां से, और ये पूरा का पूरा सेक्शन वीआरएम सेक्शन कहते हैं, वीआरएम, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। तो भाई देखिए अब इसको चेक करेंगे, ये दोनों क्रिमिनल को पकड़ के टॉर्चर करेंगे। हाँ ब्लर को थोड़ा सा स्लो करना होगा ताकि आप लोगों को सुनाई दे। तो भाई लोग देखिए ये जो मोस्फेट है ये इसका सोर्स है, लेकिन सोर्स में तो भी पा रहा है, देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए सोर्स में भी पा रहा है इसका, लेकिन भाई गेट में सॉरी सोर्स में अरे दो तीन दिन से सोया नहीं, भूल भाल बक रहा हूं। तो गाइस ये गेट है, ड्रेन से गेट में भी ये भी पा रहा है, और सोर्स में ये आ रहा है, देखिए नंबर आ रहा है सोर्स में, लेकिन गेट में भी पा रहा है। तो गाइस मैं गलती से भूल कर दिया, तो माफ कर दो भाई, क्योंकि मैं सोया नहीं था, अभी सुबह सोए थे और अभी 10 बजे के बाद मतलब कि नींद से जागा और फोन आने लगा इतना कि मैं तो भाई थक गया हूं। ये तो देखिए गेट पे शॉट आ रहा है लेकिन सोर्स पे कुछ नहीं है, तो दोनों ही क्रिमिनल है, दोनों को भर्ती कर देंगे जेल में 14 साल के लिए, उसके बाद इसका सजा है मौत की सजा, फांसी दे देंगे इसका, और चलो इसको फांसी दे दो सुमन जल्दी से, और पहले जेल में डालो, दो चार डंडा मारो, उसके बाद मेरे को नया मोस्फेट लगा दो, मतलब कि यहाँ पे दे दो मेरे को 2-3 नया मोस्फेट, नहीं वो घटिया बोर्ड चाहिए ना, उसमें से निकाल के लगाऊंगा यहाँ पे ddr1 का बोर्ड है।
तो भाई लोग यहाँ से निकालेंगे मॉस्फेट को, निकाल के ये नहीं दिखाएंगे, ये निकालेंगे फिर नहीं दिखाएंगे आपको, निकाल के लगाएंगे वहां से, ठीक है। तो भाई लोग काफी मेहनत करके मैं दोनों को इकट्ठा किया, ये बहुत अच्छा बंदा है, काम करेगा बोल रहा है, करेगा तो हाँ करेगा बोल रहा है, तो चलो लगाते, अगर नहीं हुआ इतना कॉमेडी बाहर निकल जाएगा। चलो इसे यहाँ पे रखते हैं। तो भाई अगर नहीं होते तो सॉरी भाई, क्योंकि बहुत पतंजलि मदरबोर्ड है, DDR1 रैम लगा हुआ है, देख सकते आप, 661FX M7 कंपनी किसका है भाई, जानने की भी जरूरत नहीं है, लगा के तो देते हैं। और उतना पैसा तो नहीं देगा आपका रघु दा पैसा देवे 100 देवे। अरे दो मोर्सेस का प्राइस तो 200 हो गए ना, पेस्ट किधर गए, सुमन मिला मेरे को मिला। चलो तो फिर इसे भी फिर से देखते हैं कि क्या हो रहा है। और किसी को अंदर से तो क्रिमिनल नहीं बना दिया ना, चलेगा तो भाई चालू हो जा, भाई चालू हो जा, बहुत मेहनत की है मैंने, भाई चालू हो जा, चालू हो जा भाई लोग, चालू हो जाओ ये। अरे हुआ है लेकिन 0-0 अभी तक गया नहीं है, ये क्यों रे, ओ माय गॉड बहुत गर्म हो रहा है। तो भाई लोग सॉरी, क्योंकि जो दोनों को निकाल के फेंक दिया, उन दोनों ने यहां से छुपे छुपे एक और एक क्रिमिनल तैयार करके रखे थे, इसको देखिए। साउंड को थोड़ा कम करते थे, देखिए। तो चलो इसे निकाल के दूसरा लगाते,
अरे यार इतना टाइम लग रहा है पतंजलि बोर्ड रिपेयर करने में। तो भाई अब चेक करेंगे, तो चलिए चेक करके देखते हैं। फैन तो नहीं चल रहा है। और गाइज अब मेरे को समझ में आ गया है, तो मैं आपको भी समझा दूंगा कि मेरे समझ में क्या आया है। तो देखिए ये VRM सेक्शन है और यहाँ पे दो MOSFET पहले खराब था, लेकिन ये चेक किया तब नहीं दिखाया, तो ये चेंज करने के बाद भी ये इसे देखा तो ये भी शॉर्ट है। तो यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, आप संभल के और धीरे से दो तीन बार इस सेक्शन को देख लीजिएगा। ये जो 20 मिनट 17 सेकंड से जो वीडियो बन रहा है उसके बाद से, तो ये देखिए ये PWM सिग्नल जनरेटर सिंक्रोनस ड्राइवर IC, ठीक है। तो इसका नंबर है HIP6602B, ठीक है। तो इसका जो ये साइड का मतलब जिस साइड में ये पहला साइड है उस साइड में जितना पिन है वो सब पावर कंट्रोल इस सब के लिए है, और आउटसाइड का जो पिन है ये सब ये जितना भी MOSFET है उनकी वो ड्राइवर है। तो उसमें क्या हो रहा है, ये जो ड्राइवर IC है इसमें से सिग्नल इसी साइड से सब पिन से मतलब आठ नंबर पिन से 14 नंबर पिन तक मतलब टोटल 7 पिन से ये ड्राइवर सिग्नल PWM सिग्नल जो होते हैं वो ड्राइव कर रहा है, और वो ड्राइव सिग्नल यहाँ पे MOSFET में जा रहा है। तो मान लीजिए ये 12 वोल्ट ये इसका ड्रेन पे आ रहा है, देखिए ये कॉइल है पहले कॉइल में जा रहा है, उसके बाद घूम के इसी MOSFET में आ रहा है, और ये MOSFET से अगर ड्रेन से गेट तक शॉर्ट है तो डायरेक्टली 12 वोल्ट इसी IC में चले जाएगा और ये IC खराब हो जाएगा। तो ये IC भी खराब होता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये मैं ड्राइंग बनाया बहुत घटिया पतंजलि ड्राइंग है एकदम, HIP6602B सिंक्रोनस ड्राइवर। तो गाइज ये साइड में तो जाता है पावर सप्लाई कंट्रोल वगैरह होते हैं, और यहाँ से जितना भी पिन आते हैं ये सब पिन से PWM सिग्नल आउटपुट देता है। तो MOSFET का जो ड्रेन ऊपर में होता है इस साइड में गेट होता है, गेट में जाते हैं, सब गेट में जाते हैं, लेकिन ड्रेन से वोल्टेज अगर इसमें आ गए ना तो क्या होगा, ये PWM सिग्नल जनरेटर IC सिंक्रोनस ड्राइवर IC खराब हो जाएगा। तो ये हो गया खराब, मेरे हिसाब से होना चाहिए था,
ठीक है, तो इसे चेंज करके देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो गाइस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कई ये प्रॉब्लम होने के बाद कोई कई लोग ऐसा है कि वो रिपेयर नहीं कर पाते। देखिए ये बोर्ड रिपेयर करने के बाद ये P4 बोर्ड है, मेरे को 100 रुपये तो मिलेगा कि मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आपको बहुत कुछ मिलेगा ये मैं जानता हूँ। तो इसीलिए ये वीडियो को बना रहा हूँ, मतलब कि सोच रहा था कि भाई खत्म कर दूँ वीडियो को, बहुत सारा कॉमेडी कर लिया, नहीं हो रहा है भाई इसको कैसे डालूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सीरियसली एक बात आप लोगों को बताऊंगा कि ये अगर आप चाहते कि बोर्ड को पूरा का पूरा रिपेयर करें, VRM सेक्शन में प्रॉब्लम हुआ था तो आप कैसे इसे रिपेयर करें, तो इसके लिए ये VRM सेक्शन के जो जनरेटर IC होता है, सिंक्रोनस ड्राइवर IC, तो उसे चेंज करना पड़ता है कभी कभी, तो इसे करेंगे चेंज। ओके, तो वो ड्राइवर IC यहाँ पे है। ओके गाइज, मैं आपको ये दिखाया कि नहीं दिखाया इसीलिए दिखा रहा हूँ। देखिए फिर से दोबारा अगर दिखा दिया तो गलती मत मानिए। HIP देखिए 6602B, तो देखिए ये लेफ्ट साइड में VCC PW1, ये देखिए गेट गुट, ये देखिए गेट ये देखिए, ठीक है। तो सेम IC अगर ना मिले तो दूसरे नंबर का लगाना होगा, देख रहा हूँ मैं और देख के लगा के बताता हूँ आपको। तो भाई सेम IC मेरे को नहीं मिला तो दूसरा मैं लगा के देखता हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये अगर हो जाता है तो मैं आपको ये नंबर बता दूंगा, ठीक है, जो मैं लगाया। गाइस नंबर चेंज होने लगा है, आप देख सकते हैं, तो वही खराब था। गरम थोड़ा सा हो रहा है CPU।
तो गाइस मैं रैम निकाल के चला रहा हूँ, तो देखिए ये ऐसा बीप साउंड कर रहा है। ठीक है, पर मेरे पास तो एक दो रैम है DDR1 का। ये बोर्ड अभी ठीक हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन रैम वो अच्छा है कि खराब है मेरे को नहीं पता, तो शायद मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा दिखाने की, क्योंकि बहुत सारा ऐसा बंदा है यूट्यूब पर जिसको प्रूफ चाहिए। ठीक है, ये रैम, शायद रैम में थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए डिस्प्ले अभी नहीं आया है। ठीक है, तभी मैं इस वीडियो को डालूंगा, अगर दिखा नहीं पाए तो तब भी डालूंगा, क्योंकि ये तो काम कर रहा है ना। ओ किधर गए? हाँ, रैम 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 रैम, यहाँ पे रैम था ना पुराना, एक ही रैम था। ये सही है कि खराब है नहीं पता मेरे को, तो ये एक ही रैम है सैमसंग का, लगा के देखूंगा, बहुत दिनों से पड़ा है मेरे पास। चलो देखिए, तो गाइस ये डिस्प्ले आ चुके हैं। अब मैं बहुत लाकी हूँ और ये डिस्प्ले चला आया है। ठीक है, रैम भी इसका खराब हो गए थे, क्यों खराब हो गए थे मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, तो गाइस अब देखिए ये रैम लगाते वक्त ये डिस्प्ले आया है और ये चल रहा है, तो चलिए एक बार रिस्टार्ट करके इसे कंफर्म कर लेते। तो चलिए रिस्टार्ट, और ये फिर से डिस्प्ले आया है, TG इंटेल इनसाइड। टेक्निकल गुरु जी है क्या? TG, अच्छा तो ठीक है। तो भाई लोग आपने देख लिया कि PMW सिग्नल जो जनरेटर IC होता है, ये IC मैं चेंज किया यहाँ से, उसके बाद ठीक हुआ। 3 MOSFET चेंज करना पड़ा, मतलब जितना खर्चा हुआ है इसमें, अभी इसमें तो 3 घंटा लगा है मेरे को सोचने में, देखने में, तो 3 घंटे में 100 रुपया भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं बनाया। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को पूरा का पूरा मजा ले लीजिए, और देखिए मैं अगर चाहता तो सब रिपेयर कर देता, लेकिन कोई कोई कभी कई बार ऐसा होता है कि भाई इतना टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा, तब मैं उस काम को छोड़ देता हूँ। ठीक है, उस काम को मतलब कि नहीं करता हूँ, लेकिन देखिए ये अभी तो बिल्कुल अच्छे से चल रहा है ना, किया ना मैं मैजिक करके। ठीक है, तो गाइस क्या हुआ, चल आप भी ऐसे कर सकते हैं खुद। ठीक है, लेकिन आपको सोचने पे टाइम आपको देना होगा, तो यही बात है, तो मेरे जैसा हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, और कमेंट्स लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।